हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो इसमें पर्पज है अपने यूट्यूब चैनल का, अपना जो हमारे काम का सिर्फ पर्पज ये है कि आपको ई लर्निंग के बारे में बताएं और ई जॉब आप कर पाएं घर बैठे ही। तो इसमें मेन उद्देश्य उनके लिए है जो साइड बाय साइड कमाना चाहते हैं, या कई लड़कियाँ ये लड़के ऐसे होते हैं या बच्चे भी ऐसे होते हैं कि बचपन से कमाना चाहते हैं, और लड़कियाँ जो कमाना चाहती हैं लेकिन घर से बाहर नहीं जा पाती, कोई भी कारण हो सकता है। और कई लड़के भी ऐसे हो सकते हैं कि मान लो खुद का फैमिली बिजनेस हो और अपना साइड बाय साइड बिजनेस करना चाहते हो ताकि उनकी एक अलग आइडेंटिटी और बन सके। तो बहुत सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं जब आप खुद के एक सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहें। तो आप वो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने, यही हमारा आज का मेन थीम होगा आज की वीडियो का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं भी इसमें उदयमी पे एक इंस्ट्रक्टर हूँ, और आप अनकेडमी पे भी पढ़ा सकते हैं, उदयमी पे भी पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि अब एक वो आया, नया प्लेटफॉर्म आया है पढ़ाने के लिए, बिट डिग्री। तो इसमें भी आप साइन अप कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। इसको आपको पढ़ाने के लिए यदि आपको साइन अप करना होगा तो आप सबसे नीचे जाएंगे, और यहाँ जैसे कि इसमें इंस्ट्रक्शन ये मतलब इसमें है इसमें कि आप मतलब फ्री कोर्स भी ले सकते हैं, फ्री सर्टिफाइड कोर्स भी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने ये अपनी साइट पे खोली हुई है इसलिए यहाँ साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा इंस्ट्रक्टर के लिए, लेकिन आप बाद में देखेंगे तो आपको इंस्ट्रक्टर के लिए खुलेगा। एक बार मैं आपको ये लॉग आउट करके दिखा देती हूँ, फिर आप देखेंगे कि इसमें इंस्ट्रक्टर के लिए आ रहा है। जैसे कि देखिए ये भी कम इंस्ट्रक्टर के लिए आ रहा है, तो ये आप यहाँ भी पढ़ा सकते हैं। आप कोशिश करिएगा गूगल से ही आप लिंकअप करिएगा, या क्योंकि बाद में कल आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे कि आप पासवर्ड भूल गए हैं, एंड ऑल बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो भी आप करिए अपने गूगल से ही आप साइन अप असाइन करिएगा। ओके, अब आती है बारी एड्यूनिक्स की। एड्यूनिक्स जो है इस पर भी आप पढ़ा सकते हैं। और पढ़ाने का जो तरीका है, टीच फॉर अप, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको यहाँ लॉग इन के आप जैसे करेंगे तो आप पहले अपना अकाउंट बना सकते हैं इस जरिए। ठीक है, जैसे आप अकाउंट बनाएंगे आपका फिर थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन ही मांगी जाएगी, कोई लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। और जैसे ही आप वो पास कर लेंगे फिर आप यहाँ भी पढ़ा सकते हैं। तो जो ये साइट है लाइक उदयमी, लाइक बिट डिग्री, लाइक अपना ये हो गया एडोनिक्स, ठीक है। तो ये है इंग्लिश को प्रमोट करने वाली। आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, अपनी रीजनल भाषा पंजाबी सब में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये प्रमोट करते हैं ज़्यादातर इंग्लिश को। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है अपने इंडियंस के लिए कि इंग्लिश सबको नहीं आती यार, तो इंग्लिश नहीं आती तो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाती है। चलो हम इंग्लिश बोल लेते हैं बट एक फ्लुएंसी नहीं होती। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी को भी चूज कर सकते हैं। अनअकैडमी कैसा प्लेटफॉर्म है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें आपको ये मोबाइल फ़ोन पे ही आप इसमें एजुकेटर बन पाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं इंडियन वेबसाइट है, इंडियन इस प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। तो आप अपनी रीजनल भाषा या इंग्लिश या किसी भी भाषा में इसमें पढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपको इसमें मोबाइल फ़ोन में अपना एजुकेटर एन अकेडमी का आपको डाउनलोड करना होगा और एक वीडियो बना के देनी होगी। जो इसमें वीडियो का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि इसमें कभी कहते हैं कि अब धीरे धीरे बोल के अच्छा, मतलब आपकी टैलेंटेड भाषा होनी चाहिए। मतलब टैलेंटेड कहने का मतलब ये होगा कि आप एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बोलने का, जैसे कि आपको जल्दी नहीं बोलना चाहिए, धीमी आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, पीछे से शोर नहीं आना चाहिए बैकग्राउंड का। तो इन सब के लिए आप क्या करिएगा, किसी छत पे जाके अपना पहले आप PDF बना लीजिएगा, या इमेज जो है आप उसको कैम स्कैनर से स्कैन करके फिर उसमें आप यदि अपलोड करते हैं वो इमेजेस या PDF, फिर बाद में आप जैसे कि छत पे जाके आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके अपना इंटरव्यू कार से वो जो डेमो वीडियो है वो दे दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, जैसे ही आपका डेमो वीडियो क्लियर होगा, और डेमो वीडियो तो जो आपकी डेमो वीडियो रहेगी उसमें क्या रहेगा आपका, उसमें आप डेमो वीडियो के लिए जो दीजिए, जैसे मान लो मैंने जैसे कि डिजिटल जर्नलिज्म किया हुआ है मैंने तो अपना, तो मैं उसी के ऊपर अपना दिया था मैंने अपना डेमो वीडियो। तो डेमो वीडियो में मैंने क्या किया था, मैं अपना थोड़ा तरीका आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, मे बी आपको उससे आइडिया लग जाए। तो उसमें मैंने उससे रिलेटेड थोड़ा सा समझाया था, ठीक है, जैसे डिजिटल जर्नलिज्म से रिलेटेड। तो आपका कोई हिस्ट्री हो, पॉल साइंस हो, आप यदि 10th को पढ़ाना चाहते हैं तो 10th से रिलेटेड, मतलब जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, PG और ये PG लेवल ही से स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे PG लेवल का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट का ही आता है ज़्यादा, तो मैंने उसको ही सिलेक्ट किया था। आप अपने अनुसार अपनी सुविधा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपका जैसे टॉपिक है, आप 10th का कोई भी आपको टॉपिक अच्छी तरीके से आता हो, हिस्ट्री का या 12th का आता हो, कुछ भी आता हो, कुछ सिर्फ डेमो वीडियो में ये देखना होता है कि आप बोल कैसे रहे हैं, जल्दी जल्दी ना बोलिए,
स्लो ना बोलिए, मरी मरी आवाज में ना बोलिए, तो उनको बस अच्छी बात चाहिए। ठीक है, आपका अच्छा समझाने का तरीका हो, कहने का मतलब ये, आपका मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो अपने ऑडियंस के साथ। फिर 5 वीडियो देनी है, 5 वीडियो भी इसी तरह देनी है जो आपका जिस थीम में भी आप वो हो, मतलब अच्छी तरीके से आपकी पकड़ हो। आपको वो डेमो वीडियो देनी है, उसमें भी कोई शोर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। बाद में जब आपका क्लियर हो जाएगा, आपका गूगल फॉर्म एंड ऑल ये सारा कुछ हो जाएगा, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी नॉइज इश्यू की। पर कोशिश करिएगा एक अपना अच्छा वो बनाइएगा नाम, ताकि कल आपका एक अच्छा नाम हो ना अकेडमी पे भी। और आप इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ आपका इंश्योरेंस नहीं बनता है, यहाँ आपका इंश्योरेंस भी बनता है, आपकी मंथली सैलरी भी आती है, और आप एक ई लर्निंग के साथ जुड़ पाते हैं, जिससे हर कोई आपके यहाँ जुड़ सकता है। जैसे कि मान लो मैं हरियाणा की, मैं पंजाब में अभी रह रही हूँ, और मुझे कुछ पढ़ना है, मतलब हरियाणा से रिलेटेड, या मतलब किसी और जगह पढ़ना है, मैं अपने मामा वगैरह के जा रही हूँ, ठीक है, और मेरी पढ़ाई ना छुट्टी, मैं इसलिए ई लर्निंग का सारा ले सकती हूँ। तो आप अपने लर्नर से कहीं भी जुड़ सकते हैं, आपके बहुत सारे लर्नर्स होंगे, ठीक है, आप उनके काम आएंगे, वो आपके काम आएंगे, वो आपको पॉजिटिव रिव्यू देंगे, एंड आप भी अपना उनको पॉजिटिव रिव्यू दीजिएगा। जैसे कि आप उनको बैकग्राउंड नॉइज ना दीजिएगा, अच्छा आप उनको पढ़ाने की कोशिश करिएगा। एक इसमें यूट्यूब की तरह नहीं पढ़ाना होता, इसमें एक अच्छी तरीके से आपको थोड़ा अलग तरीके से, अच्छे तरीके से, इम्पैक्टिव तरीके से आपको इसमें अकेडमी पढ़ाना होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आपकी थोड़ी पर्सनल क्वेरी हो, वो ये जो साइट आप देख रहे हैं unacademy.com, ये जो लेसन बिकम एन इंस्ट्रक्टर जो भी है ये, इसका मैं आपको अपने यूट्यूब पे लिंक दे ही दूंगी, ठीक है। आप यहाँ इसको थोड़ा सुनिएगा इन सबको, ये हिंदी में ही है, हिंदी इंग्लिश में ही है, पर ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें एक PDF भी डाउनलोड करने का मिल जाता है, तो आप इसमें समझ लीजिएगा। तो मैंने अभी आज ये 4 साइटें बताई हैं, एक तो उदयमी, एक अनअकैडमी, एक ये हो गया अपना बिट डिग्री, और ये हो गया एक एथोनिक्स। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं इसके अलावा भी, लेकिन जो भी जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं यही चल रही हैं। एक कोसेरा भी है, कोसेरा में भी आप पढ़ा सकते हैं, वहाँ थोड़ा फॉर्म जल्दी अप्लाई नहीं होता, थोड़ा सा वो देर करते हैं आपको सिलेक्ट करने में, और इंग्लिश वहाँ की वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आम इंग्लिश नहीं चलेगी, तो थोड़ा कोसेरा का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप इन 4 पे पढ़ा सकते हैं। फिर भी आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ही जवाब देती हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम पे ही आपको जवाब दे पाऊंगी, और वहाँ मुझे भी अपनी कोई पर्सनल वो नहीं रहेगी कि मेरा नंबर शेयर हो रहा है एंड ऑल एंड ऑल, तो मुझे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं रहेगा। तो वहाँ आप अपनी पर्सनल चैट भी मुझसे कर सकते हैं, और ग्रुप में भी चैट कर सकते हैं, और मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, आपकी कोई भी क्वेरी हो। तुम झिझके नहीं, आप चाहे लड़के हैं, चाहे किन्नर हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे बच्चे हैं, आप सभी पढ़ा सकते हैं, सभी को पढ़ाने का हक है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, कि आयु से लेकर या लिंग से लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो मेरा टॉपिक कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर दीजिएगा, और यदि आपको मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती रही तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।